कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा सोमवार को लखनऊ में थी। पार्टी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी मांग लिया। प्रधानमंत्री जी, देश का जवान, देश का किसान या आधी आबादी आपसे जवाब मांग रही है, हिसाब मांग रही है, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। उनका कहना है कि अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आता है तो पता चलेगा कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसानों की आत्महत्या बढ़ती गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 सीटें लाने के सवाल पर भी कहा कि जिसमें 400 सीटें लाने का आत्मविश्वास होता है, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी, आप 400 सीटें लेकर आ रहे थे तो क्या डर था कि आपने बहुमत का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए 150 सांसदों को आजादी के 75 साल में पहली बार हुआ है कि लोकसभा से ये डर है आपका? अगर 400 लाने वाला प्रधानमंत्री इस तरह से लोकतंत्र की सरेआम हत्या नहीं करता। क्या हुआ झारखंड में? हमने उनकी सरकार गिराने की कोशिशें भी देखी। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। अलका लांबा ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की संख्या बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक सशक्तिकरण की बात, समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्याओं के मामलों की बात, हाथरस का मामला। अलका लांबा ने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मोदी सरकार में 10 साल में हुए अन्याय को उजागर करने में लगे हुए हैं। न्याय का हक मिलने तक हम ऐसी ही यात्रा और संघर्ष अपना जारी रखेंगे। भारतीय महिला कांग्रेस नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। सम्मेलन के तहत महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता 50 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगी और घर घर जाकर भाजपा सरकार में पीड़ित, शोषित और वंचित महिलाओं से संवाद करेंगी और उन्हें उनका हक दिलाने का प्रयास करेंगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।